नमस्कार, वेलकम टू जनरल नॉलेज डाइजेस्ट। इस वीडियो में आपको सभी तरह के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के समाचार पत्रों को क्रमशः किन भाषाओं में प्रकाशित किया था? आपका विकल्प है ए हिंदी और अंग्रेजी, बी अंग्रेजी और मराठी, सी मराठी और उर्दू, डी हिंदी और उर्दू। आपका सही जवाब होगा बी अंग्रेजी और मराठी। आपका दूसरा सवाल है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः निम्न में से कौन से वन्य पशुओं के लिए जाना जाता है? आपका विकल्प है ए हाथी एवं बाघ, बी केवल हाथी, सी बाघ एवं चीतल, डी तेंदुआ और हाथी। आपका सही जवाब होगा ए हाथी एवं बाघ। आपका तीसरा सवाल है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका विकल्प है ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी कांडला। आपका सही जवाब होगा ए लंदन। आपका चौथा सवाल है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? आपका विकल्प है ए हैबिल लैब्स, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी फेसबुक। आपका सही जवाब होगा सी माइक्रोसॉफ्ट। आपका पांचवा सवाल है, CWG 2022 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपका विकल्प है ए पांचवा स्थान, बी आठवा स्थान, सी छठवा स्थान, डी नौवा स्थान। आपका सही जवाब होगा ए पांचवा स्थान। आपका सवाल नंबर 6, किस राज्य सरकार ने गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है? आपका विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा ए उत्तर प्रदेश। आपका सवाल नंबर 7 है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आपका विकल्प है ए नाभिकीय ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी जल विद्युत। आपका सही जवाब होगा बी कोयला। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका आठवां सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका विकल्प है ए 25 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 22 दिसंबर, डी 5 जून। आपका सही जवाब होगा बी 28 फरवरी। आपका अगला सवाल है, नव चंद्रमा पर सबसे पहले 4G नेटवर्क उपलब्ध कराने वाली कंपनी कौन सी है? आपका विकल्प है ए वोडाफोन, बी जियो, सी एयरटेल, डी आइडिया। आपका सही जवाब होगा ए वोडाफोन। आपका दसवां सवाल है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आपका विकल्प है ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी महादेवी वर्मा, सी आशा पूर्णा देवी, डी अमृता प्रीतम। आपका सही जवाब होगा सी आशा पूर्णा देवी। सवाल नंबर 11, हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं? आपका विकल्प है
ए 3 इंजन, बी 4 इंजन, सी 5 इंजन, डी 7 इंजन। आपका सही जवाब होगा बी 4 इंजन। सवाल नंबर 12। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? आपका विकल्प है ए गौतम, बी सिद्धार्थ, सी चाणक्य, डी राहुल। आपका सही जवाब होगा बी सिद्धार्थ। सवाल नंबर 13। विद्यासागर सेतु, जिसे दूसरा हुगली पुल भी कहा जाता है, आपको किस शहर में मिलेगा? आपका विकल्प है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। आपका सही जवाब होगा सी कोलकाता। सवाल नंबर 14। इनमें से कौन सा पद भारत में 1958 तक एक ब्रिटिश अधिकारी के पास था? आपका विकल्प है ए थल सेनाध्यक्ष, बी गवर्नर जनरल, सी वायुसेना प्रमुख, डी नौसेना स्टाफ के प्रमुख। आपका सही जवाब होगा डी नौसेना स्टाफ के प्रमुख। सवाल नंबर 15। हिंदी शब्दकोश में इसमें से किस देश का नाम सबसे अंत में आएगा? आपका विकल्प है ए भूटान, बी अफगानिस्तान, सी सिंगापुर, डी रूस। आपका सही जवाब होगा सी सिंगापुर। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।